मैं शाही लीची बोलूं तुम मुजफ्फरपुर जिला समझ लेना, मैं जुब्बा सहनी पार्क बोलूं तुम शाम में बिताए हुए वे खूबसूरत पल समझ लेना, मैं कलमबाग चौक बोलूं तुम वहां पे गुप्ता जी के जलेबी और समोसे समझ लेना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे बिहार दर्शन के एक और खूबसूरत से सीरीज, जिसमें आज हम लोग कड़ी नंबर 23 में मुजफ्फरपुर जिले को कवर अप करने जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जिला जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ शाही लीची, शाही शहर भी है और शाही लीची भी है, और बिहार का एक और खूबसूरत सा शहर मुजफ्फरपुर शहर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर शहर के बारे में। तो मुजफ्फरपुर शहर को आप बिहार के नक्शे में देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर तिरहुत मंडल में पड़ता है और साथ ही साथ तिरहुत मंडल का हेडक्वार्टर और बहुत ही प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हमें नजर आता है, जहां पे हम एक तरफ देखते हैं दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, इन जिलों से घिरा हुआ मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे आप सभी लोगों को मौजूद नजर आ जाता है। डिवीजन की बात अगर हम करें मुजफ्फरपुर की, तो तिरहुत डिवीजन में इसका लोकेशन आपको नजर आ जाता है। तो याद रखिएगा तिरहुत डिवीजन जो कि बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है, मुजफ्फरपुर डिवीजन उसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ 1875 में तिरहुत से अलग होकर के, यानी कि तिरहुत जो है उससे अलग होकर के मुजफ्फरपुर को एज अ जिला बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज जिलों से घिरा हुआ है। नदियों की बात करते हैं तो जिले से होकर के बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं, बागमती का भी एक, बागमती की सहायक नदी, साथ ही साथ गंडक, बूढ़ी गंडक और लखनदेई प्रमुख नदियां इस जिले की नजर आ जाती है। इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो मुजफ्फरपुर का वर्तमान जिला 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आया और इसका नाम अंग्रेज के अधीन एक अफगान राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया और उसी के नाम से मुजफ्फरपुर जिला अस्तित्व में आता है। पहले यह तिरहुत के क्षेत्र से जाना जाता था और यह लगातार हर्षवर्धन, पलास, चेदिस, सिनाज, ग्यासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी और मुगल के नियंत्रण में समय समय पे, काल पे जैसे ऐसे उनका सत्ता रहा है वैसे वैसे मुजफ्फरपुर रहा है। बक्सर की लड़ाई के बाद जो कि 1764 में हुई थी, जो कि एक मोस्ट डिसिसिव बैटल थी, इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण मुजफ्फरपुर में हो गया था। एंड देन उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुजफ्फरपुर ने एक अहम भूमिका निभाई है। पहला अगर हम बात कर सकते हैं कि क्रांतिकारी दौर में 1908 में मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस द्वारा प्रिंगल कैंडी की गाड़ी पर विस्फोट किया गया, जिसे गलती से मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड समझ लिया गया था और मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से खुदीराम बोस प्रफुल चक्की, आप सब ने इनके बारे में जरूर सुना होगा। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर के ही जुब्बा सहनी, जिनका नाम बहुत फेमस है, सीतामढ़ी, उस समय के सीतामढ़ी में जाकर के जो मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा था वहां पे जाकर के थाने पे हमला किया और उनको फांसी जो है मुजफ्फरपुर में ही दी गई थी। तो बहुत ही ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक क्षेत्र के लिए जाना जाने वाला मुजफ्फरपुर, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर सिटी, जहां पे 2 सब डिवीजन, 16 ब्लॉक और 335 पंचायत और साथ ही साथ 1813 गांव, 1 लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर और हमारे 11 विधानसभा सीट 243 में से मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ 40 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ 534 ब्लॉक्स में से 16 ब्लॉक मुजफ्फरपुर में और 101 सब डिवीजन में से 2 सब डिवीजन मुजफ्फरपुर में नजर आ जाते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट सब डिवीजन। साथ ही साथ औसत वर्षा की बात करते हैं, ठीक ठाक बारिश है, 118.7 सेंटीमीटर सालाना। मिट्टी की बात करते हैं तो खादन मिट्टी, क्योंकि बार जो है यहां पे कंटिन्यूअस तो नहीं लेकिन हां कभी कभी आते रहता है, तो खादर मिट्टी और साथ ही साथ बाल सुंदरी मिट्टी जो है यह यहां की प्रमुख मिट्टी है। बाल सुंदरी मिट्टी में चूने की प्रधानता, इट मींस दैट इट हैज एबंडेंस अमाउंट ऑफ लाइम एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड कि यहां पे शाही लीची आपको अत्यधिक मात्रा में नजर आ जाती है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर में हम देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में 1514 पर स्क्वायर किलोमीटर में यहां पे नजर आ जाता है। जनसंख्या वृद्धि की बात अगर हम करते हैं तो सिंस 2011 सेंसस से 2011 सेंसस के बीच में वी गॉट अ ग्रोथ रेट ऑफ 28.1%, यानी कि 28.1% यहां की जनसंख्या वृद्धि दर है, विच इज अ हाई, जो कि
मतलब ठीक ठाक है, अच्छी खासी रेट में बढ़ा है जनसंख्या। लिंग अनुपात जैसे 6:1, तो यहां पे 9000 महिलाएं हैं पर 1000 पीपल के लिए, यानी कि भाई 6:1 नहीं है ठीक। बिहार के जो बिहार का जो स्टेट 6:1 विच इज 918, उससे भी कम मुजफ्फरपुर में। लिटरेसी रेट 63.4%, मेल लिटरेसी रेट 71.3% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 54.7%। वज्जिका यहां की बेसिकली स्थानीय भाषा है, वज्जिका इज बेसिकली मिक्सअप ऑफ मैथिली एंड भोजपुरी को थोड़ा बहुत मिला दीजिए तो वज्जिका बन जाती है। इसके अलावा मैथिली हिंदी यहां की प्रमुख बोलियां जो यहां पे बोली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट यहां पे है 10,434, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया यहां पे 3 है, एग्रो बेस, वुड बेस, वुडन बेस फर्नीचर, मिनरल वाटर बेस, मेटल बेस, इलेक्ट्रिकल बेस इंडस्ट्री, रिपेयरिंग सर्विसिंग और रेडीमेड गारमेंट्स जो है यहां पे मौजूद नजर आते हैं, केमिकल और केमिकल बेस्ड फैक्ट्री एक्सेट्रा यहां पे आप सभी लोगों को मौजूद नजर आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर मुख्य रूप से एक आर्थिक प्रोफाइल वाला कृषि जिला है, यहां पे एक एग्रीकल्चर जो मेन हब है जैसे बिहार की तरह और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी ठीक ठाक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया जो कि बीएडा का, बीएडा जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बीएडा की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसका एक रीजनल हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में भी है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, जिला का जिसका स्वाद मुजफ्फरपुर के बेचहा और मशहूर ब्लॉक जो आपके मुसहरी ब्लॉक की मिट्टी की स्थिति के कारण अनोखा होता है, जहां पे चूने की मात्रा अधिकतम होती है। सूतापट्टी कपड़ा मिलों के लिए प्रसिद्ध है, अन्य उद्योग आपके फाउंडेशन लिमिटेड, भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स फार्मान्यूटिकल्स लिमिटेड, इन सबों के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार ड्रग एंड ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मुजफ्फरपुर डेयरी जो कि सुधा का एक यूनिट यहां पे व्हिच इज वेरी ह्यूज, और यहां पे हम कह सकते हैं कि सुधा के नाम से आप सबको पता है कि कॉम्फेड व्हिच इज बेसिकली बिहार का डेयरी प्रोडक्ट और सुधा के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और इसका भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर इज लोकेटेड ऑन मुजफ्फरपुर। अपार्ट फ्रॉम दैट लार्ज स्केल इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में इंडियन ड्रग आपके फार्मान्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि आपके मुजफ्फरपुर की बात हम करते हैं तो नारायणपुर के पास नजर आ जाता है। इसके अलावा भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो मुजफ्फरपुर की बहुत ही पुरानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में बनाई जाने वाली एक रेलवे वर्कशॉप, साथ ही साथ नेशनल थर्मल पावर स्टेशन जो कि कांटी में मुजफ्फरपुर के पड़ता है, ये यहां पे मौजूद है, इस बात को सब लोगों को ध्यान में रखना है। एजुकेशन की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो कि बहुत ही पुरानी संस्था है, आपको यह जानकर के शायद आश्चर्य होगा MIT इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन बिहार जहां पे लेदर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, SKM कॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे कोविड के दौरान जो है कोविड सेंटर एक स्थापित करने की भी बात कही गई है, साथ ही साथ PM केयर फंड के दौरान यहां पे स्थापित भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं महंत दर्शन दस महिला विद्यालय, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी आपके मुजफ्फरपुर में मौजूद आपको नजर आ जाता है। हेरिटेज यानी कि अगर आप मुजफ्फरपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं, विरासत पर्यटन की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में जुब्बा सैनी पार्क, गांधी हुप, हजरत बिलाल मस्जिद, पुरानी बाजार के ब्रह्मपुरा कमाल शाह मजार, रहुआ, इसके अलावा रहुआ में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और नेशनल लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में ही लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां का गरीब स्थान मंदिर जो कि जैसे अभी सावन आ रहा है तो सावन के समय में गरीब स्थान मंदिर जिसका जिसको बेसिकली जो लोग बैद्यनाथ धाम नहीं जा पाते देवघर, तो उनके बाद दूसरा स्थान के रूप में बिहार के इस क्षेत्र के लिए गरीब स्थान का एक अहम योगदान है। साथ ही साथ रमना देवी मंदिर, इसके अलावा आपके काली बरीची जैसे पुराने मंदिर भी यहां पे लोकेटेड है, तो इस बात को सारे के सारे लोगों को ध्यान से समझना है और यहां से क्वेश्चंस आपके मौजूद नजर आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुजफ्फरपुर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां नजर आ चुकी है, बहुत सारी चीजों को आपने समझ लिया होगा, बुझ लिया होगा और आपके आने वाले वक्त में एग्जाम से जैसे भी क्वेश्चन मुजफ्फरपुर से बने आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, क्रैक कर दीजिएगा और आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व आप सब लोग कर देंगे। तो मिलते हैं वापस से हम लोग हमारे नए एपिसोड के साथ, अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, अपना प्यार हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ भी दें, इस वीडियो के साथ भी दें और अपने जो भी दोस्त महीम जो मुजफ्फरपुर के हैं उनके साथ जरूर इसको शेयर करें और साथ ही साथ आप अगर मुजफ्फरपुर के हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।